कंगना की पहले से ही है आमने सामने की लड़ाई है। सीधे लिए चलते हैं आपको मौसमी सिंह, हमारी सहयोगी जुड़ रही है हमारे साथ। मौसमी, अगर वकील साहब वहां पर मौजूद है, जल्दी से उनसे बात कीजिए। यस, वी हैव रिजवान सिद्दीकी विद अस। जी अंजना, हमारे साथ रिजवान सिद्दीकी साहब है, आइए उनसे बात करते हैं। थोड़ी इधर आ जाइए रिजवान साहब। ये घर कंगना का सपना था, 15 साल से उन्होंने सोचा था कि वो इस यहाँ पे दफ्तर बनाएंगी। क्या आपने देखा जब आप भीतर गए, आपने जायजा लिया, आप कह रहे हैं कि बदले की भावना से हुई कार्रवाई? देखिए, जिस तरीके से म्यूनिसिपल ने बिहेव किया है, राइट फ्रॉम गेटिंग टू द प्रॉपर्टी एंड इवन यू नो ऑल एक्शंस टेकन बाय देम, मतलब उन्होंने जो जो हरकतें की एक स्टेज वाइज, उससे क्लियरली साबित होता है कि भाई उनको पर्सनल एजेंडा था, वो डैमेज करना ही था उनको प्रॉपर्टी। ये थ्रेट था कंगना को एक तरीके से। क्या चीज आपने भीतर देखी जिससे लगता है कि पर्सनल एजेंडा है, किस तरह? देखिए, सबसे पहली बात तो जो नोटिस भेजा वही बेबुनियाद था। दूसरा चीज, वो नोटिस भेजने के बाद 24 घंटे का टाइम दिया, हमने 6 घंटे में रिप्लाई कर दिया। सुबह 10:35 पे हमारे नोटिस को रिजेक्ट कर, हमारे रिप्लाई को रिजेक्ट किया उन्होंने। मैंने उनको करीब 11 या 11:15 को मैंने उनको बोल दिया कि कोर्ट में मैटर लिस्ट हो गया है। उसके बावजूद वो तोड़ना चालू था उनका। मेरे ऑफिस के शख्स गए थे वहां पे उनके ऑफिस में सर्व करने के लिए कॉपी, उन्होंने कॉपी लेने को रिफ्यूज कर दिया। मेरा बंदा वहां पे 2 घंटा खड़ा था, वो कॉपी भी नहीं ले रहे थे। पर सवाल ये है कि ये बात कह रही है बीएमसी कि अवैध क्यों बनाया, आपने नक्शा पास नहीं कराया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमिशन लेनी चाहिए थी, आप परमिशन 24 घंटे के भीतर पहुंचवा दें, तो क्या परमिशन नहीं थी आपके पास? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो मैंने काम किया वो इलीगल था, वो उनको प्रूव करना है। ओके, परमिशन लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी, वो बात की बात है। मैंने जो काम किया पहले वो इलीगल नहीं है। जब परमिशन क्यों लूं जब मैंने कुछ काम इलीगल नहीं किया है? मैंने क्या बंगले को बाहर निकाल दिया है? क्या बंगले को छत के बाहर निकाल दिया है या छत कवर कर लिया है? दरवाजा भी इलीगल है सही तरीके। देखिए, अगर वो बोल रहे हैं कि इलीगल है तो उनको प्रूव करना है ना कहीं भी। उन्होंने प्रूव तो किया नहीं, तोड़ दिया पहले ही। ऐसे नहीं तोड़ता कोई म्युनिसिपल वाला आके। आप कह रहे हैं कि आसपास के और करीब 100 आदमी म्युनिसिपल के आके तोड़ देंगे आधे घंटे। आप ये भी कह रहे हैं कि आसपास के पड़ोसियों को इस पौष पाली हिल इलाके में धमकाया जा रहा है कि कंगना को सोशली बायकॉट करें? एब्सोल्युटली। कोई प्रमाण है आपके पास, किसी ने बताया? देखिए, ये तोड़ने के पहले ही मेरे कान में बात आ गई थी कि वो लोग आसपास लोगों को डरा रहे, धमका रहे और बोल रहे हैं उनको कि भाई आप लोग सब तकलीफ में आ जाएंगे बिकॉज कंगना की वजह से, तो आप लोग कंगना को सपोर्ट नहीं करो और कंगना के अगेंस्ट रहो, सोशली बॉयकॉट करो। तो ये शिवसेना कर रही है कि बीएमसी कर? देखिए, ये शिवसेना कर रही है कि बीएमसी कर रही है, मैं उस सब पे नहीं बोलना चाहूंगा। अब यहाँ पे क्योंकि बीएमसी वाले मौजूद थे तो बीएमसी कर रही थी, अब बीएमसी किसके कहने पे कर रही थी वो बीएमसी समझे। अच्छा, अगला कदम क्या होगा आपका, क्या आप कॉम्पेंसेशन मांगेंगे जिस तरह से जो डैमेज हुआ है? जाहिर सी बात है कि हम कॉम्पेंसेशन भी मांगेंगे और क्रिमिनली भी प्रोसिक्यूट करेंगे सबको, बीएमसी को। आपराधिक कार्रवाई की मांग करेंगे आप लोग? अब मुझे इतना हिंदी नहीं मालूम, मतलब क्रिमिनल एक्शन के लिए आप लोग जो है यस यस। यहाँ पे अंजना, 4 पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, आपराधिक कार्रवाई बीएमसी के खिलाफ, कॉम्पेंसेशन जो तोड़फोड़ हुई है, आरोप है कि बीएमसी बदले की भावना से आई, और पूरे पाली हिल इलाके में डराया धमकाया जा रहा है पड़ोसियों को कि कंगना को सोशली बायकॉट करो। ओवर टू यू। बिल्कुल, ये और ये बहुत बड़ा आरोप है। अगर वाकई बीएमसी के अधिकारी वहां पर लोगों को ये धमका रहे हैं, पड़ोसियों को कह रहे हैं कि बॉयकॉट कीजिए, वहां पर कुछ लोग हैं क्या आसपास के जो इस पर बात कर सके? अगर ऐसा है तो आप मौसमी उन्हें जरूर लाइएगा। जी बिल्कुल, जी जरूर उनसे बात कीजिए। मौसमी बात कीजिए, ये पूरा पालील का इलाका मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देखिए। हाँ मौसमी जी, जी देखिए अंजना, ये पूरी भीड़ यहाँ पे है, क्या आप लोग आज तक